बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाने की कवायद में केंद्र सरकार ने एक कदम बढ़ाया और युवाओं के लिए सेना भर्ती में संशोधन करते हुए अग्निपथ योजना की शुरुआत की। अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेज में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। लेकिन योजना के ऐलान के दूसरे ही दिन देश में हंगामा और बवाल मचा। बिहार, यूपी और हरियाणा में तो आगजनी और तोड़फोड़ तक हुई। बिहार में युवाओं ने भाजपा कार्यालय में आगजनी की, तो वहीं दर्जनों स्टेशनों पर तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि इस बीच भाजपा ने योजना की सराहना की और युवाओं को इसको समझने के लिए कहा, तो वहीं युवाओं की इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। युवा ओवरेज हो जाएगा, मेरा मानना यह है कि ऐसी वैकेंसी अगर निकालते हैं, अगर युवाओं को मौका मिलता है, या तो इनको परमानेंट किया जाए या फिर स्थायी भर्ती के रूप में इसको निकाला जाए। इसका हम ये कह सकते हैं कि इसके अगर विश्लेषण के रूप में विश्लेषण किया जाए और अनुपातिक रूप में देखा जाए, तो ये योजना देश के युवाओं के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगी। युवाओं के विरोध के स्वर के बीच विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए लिखा कि ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना दो साल तक कोई डायरेक्ट भर्ती, ना चार साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर उनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। चार साल के कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के सैनिक इस परंपरा, परिपाटी, जुड़ाव व अनुशासन की भावना अपना पाएंगे? क्या इतने थोड़े समय में यह संभव हो पाएगा? इसलिए हमारा ये कहना है केंद्र सरकार को कि इसको एकदम से तत्काल प्रभाव से अभियंस में रखें, इसको अभी साइड पर रखें। सभी लोगों से जो हमारे सेनाओं के रिटायर्ड लोग हैं, उन लोगों से और विशेषज्ञों से बात करें और बात करने के बाद में ही इसको आगे लेकर के जाएं। किसान आंदोलन के बाद युवाओं के पिछले 8 साल में ये बड़ा आंदोलन है। हालांकि सरकार ने बेरोजगारी पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया है, लेकिन देश के युवाओं को ये रास नहीं आया। यही वजह है कि बेरोजगार युवा अब सड़क पर, पटरी पर आंदोलन कर रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र का इस पर अब अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जनते, में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। मुद्दा यह है कि अग्निपथ पर अग्निवीर जाने से पहले ही अग्निवीर इस योजना का विरोध कर रहे हैं, यानी कि जो भविष्य के प्रतिभागी हैं वही इसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि 4 साल बाद आप हमें बेरोजगार कर देंगे। दूसरी तरफ कई ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं कि नाखुश हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी रिएक्शन है कि इस योजना से हासिल कुछ नहीं होने वाला। खैर चले, लेकिन सरकार का अपना एक्सरसाइज है, सरकार ने कुछ सोच समझ करके इसे लॉन्च किया होगा। तर्क भी है, कुछ लोग सेना से जुड़े हैं वो भी कहते हैं कि हमें देखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए, लेकिन बवाल मच चुका है इस योजना को लेकर के। बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, हिमाचल प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कई जगह पे विरोध प्रदर्शन है, कई जगह हिंसक घटनाओं की भी जानकारी आ रही है, कई जगह पुलिस के व्हीकल्स को जला दिया, जो जानकारी आ रही है। बिहार में भी कई जगह पे रेलों को रोक दिया गया है और वहां आगजनी की घटनाओं की भी
जानकारी मिल रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो युवा जिसके हाथ में रोजगार के लिए ऑर्डर होना चाहिए, अगर वो पत्थर या लाठी उठाएगा तो मुझे लगता है कि दिशा ठीक नहीं होगी। ये सरकारों को देखना चाहिए, लेकिन विपक्ष हमलावर है केंद्र सरकार पर कि बिना सोच समझ करके जो योजनाएं लॉन्च करती हैं तो युवाओं का गुस्सा तो फूटना ही है। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, अपने अपने तर्क हैं। हमारे साथ सेना के पूर्व अधिकारी ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर वरुण पुरोहित साहब जुड़े हैं, ईरा बोस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा हल्ला बोल के नेता हैं, और देव आनंद गुजर साहब हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा से, कर्नल हैं रिटायर्ड, सभी का स्वागत है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपके पास आना चाहूंगा, अभी तो योजना की लॉन्चिंग हुई है, लॉन्चिंग के साथ ही इस पे बवाल शुरू हो गया, क्या लगता आपको कि गवर्नमेंट अपील कर रही है कि जो भविष्य के अग्निवीर हैं उन्हें धैर्य रखना चाहिए, लेकिन ये धैर्य जवाब क्यों दे रहा है? देखिए बात यह है, एजिटेशन तो होना ही था, विरोध तो होना ही था इस बात का, और लग रहा था कि जब इतने दिनों तक डिले किया है इन्होंने, जो डिलीबरेशन किया है सोच समझ के इन्होंने ये योजना चलाई है, और समझ में नहीं आता कि इस तरह के जो डिसीजन लेते हैं सरकारों में, ये एक्सपर्ट का काम है, चाहे वो डिनोमिनेशन हो, चाहे वो जीएसटी का हो या किसान एक्ट्स का हो, ये उसी की एक जो इनकी स्टाइल है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की, एकदम डिसीजन लेना। अब किसने ये इसको सजेस्ट किया है और इसके कहाँ स्टडी हुई है, कहाँ एक्सपर्ट ग्रुप बैठा है, कोई पायलट प्रोजेक्ट इसकी चलनी चाहिए थी वो चली क्यों नहीं है, और एकदम से कैसे लागू कर दिया इसको? और ये आर्मी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो कैपेबिलिटीज हैं, इनको डाइल्यूट करना देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, ये बिल्कुल हित में नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसमें टिंकरिंग कीजिए, लेकिन आर्म्ड फोर्सेस को आप थोड़ा अलग ही रखिए। ये मेरे को तो ऐसा लगता है खाली अपने पॉलिटिक्स के लिए या किसी विशेष वर्ग के फायदे के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए या पेंशन बिल को कम करने के लिए, बट देन आर्मी इसके लिए नहीं बनी है। आर्मी खर्चीली चीज है, आर्म्ड फोर्सेस को रखना, एक पावर रखना खर्चीला मामला है। यदि आप नहीं खर्च कर सकते हैं तो आप किसी के साथ संधि कीजिए, और जैसे जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अपने डिफेंस है वो अमेरिका को सौंप दिए, उनके सिर पे है। यदि आप इतने कमजोर हैं कि पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, गरीब हैं, तो एक एक रास्ता वो है। लेकिन एक भारत जैसे इतने बड़े देश के लिए इतने संसाधन हैं इनके पास, और इतने इस प्रकार का हमारा जो टेक्नोलॉजिकल बेस, इकोनॉमिक बेस, अपने एजुकेशन बेस, डेमोक्रेसी, ये सब सारे पावर कंपोनेंट्स हैं, डिप्लोमेसी हमारी और हमारी स्ट्रेटेजी, और जो स्टैंडर्ड आर्म फोर्सेस का है जो ट्रेनिंग है उसको किस तरह से डाइल्यूट करते हैं, ये मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास, मैं ब्रिगेडियर सर वापस आपके पास में आऊंगा, मैं वरुण पुरोहित जी के पास में जाना चाहूंगा। वरुण जी, एक बयान ये आ रहा है कि विपक्षी पार्टियां अभी इस पे राजनीति ना करें, इंतजार करना चाहिए, और युवा हैं वो जब समझ में आएगी वो शांत होंगे, लेकिन आग में घी काम डालने का काम ना करे विपक्ष। ये बीजेपी की ओर से एक बयान जारी हुआ है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। ये योगेंद्र शर्मा जी, ये आयातित पूंजीवाद की प्रवर्तक सरकार है, ये 20 करोड़ आपको दे रहे थे रोजगार 8 साल पहले, 16 करोड़ रोजगार हो जाते हैं उससे, तो डेढ़ साल में, एक साल में डेढ़ साल में 10 लाख पे आ गए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नौकरी 4 साल की, जिसमें आधा टाइम तो ब्रिगेडियर साहब आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग पीरियड भी कम कर दिया, छुट्टी भी जाएगा बंदा 3 साल की नौकरी करके, उनको किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? तो पूंजीवादियों के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैयार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेना के खर्चे पर। ये देखने की बात है, जिस सरकार के मन में छल कपट और पाखंड है युवाओं के लिए, जो युवाओं की, बेरोजगारों की मजाक उड़ाता है, नाले से गैस बना लो, चाय पकौड़े तल लो, उस सरकार की मंशा पूरे देश के सामने 8 साल के अंदर आ गई है। और आप कह रहे हो, वो कह रहे हैं हम घी डालने का काम कर रहे हैं, अभी 20 साल इंतजार करेगा युवा, जो 18-20 साल का लड़का है, लड़की है, 20 साल इनके लिए इंतजार करेगा, ये मूर्ख तंत्र चलाते जाए, उसके बाद वो बुढ़ा हो जाए, फिर देखे साहब गलत हो गए। देखिए डेमोक्रेसी का ये इविल है कि 5 साल तक अगर आपने सरकार चुन ली तो कुछ भी मूल तंत्र करे आप उसके लिए बैठे रहो 5 साल तक,
ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा इविल देश के सामने आ रहा है। आप मुझे बताइए, 4 साल की कोई नौकरी होती है 3 साल की? ये डिफेंस को प्राइवेट कर रहे हैं, ठेके पे दे रहे हैं डिफेंस। आप जब पैसा उड़ा सकते हो, इकोनॉमिक कट का नाम लेते हो, आप पैसा उड़ा सकते हो, 8,500 करोड़ का प्लेन ले सकते हो, सेंट्रल विस्टा 22-23 हजार करोड़ में घूम सकते हो, क्या जरूरत है उनकी आपको? जब देश में पैसा नहीं है तो आप अपने लिए मौज मस्ती के सामान जुटाओगे? आप जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपको पसंद नहीं है क्या? अभी जो वर्तमान में आपको प्लेन उड़ा रहे हो, आप देखिए कितना इवेंट मैनेजमेंट में 1,000 करोड़ रुपया देश का वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है युवाओं के लिए। तो भाई पैसा नहीं था, आप क्यों 2-2 करोड़ का रोजगार का लालच दे रहे थे 8 साल पहले? तो ये युवाओं को समझना पड़ेगा। और ठीक है, आगजनी नहीं करनी चाहिए, शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए, पर युवाओं के अंदर आग होती है, उनके खुद के अंदर उबाल होता है, उसको कैसे आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे? आप मुझे बताइए, हर बात में विपक्ष योगेंद्र जी देश को बेचने की ऐसी क्या हवस है? मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, हर बात में विपक्ष कर रहे हैं, मूर्ख तंत्र ये कर रहे हैं, नाम विपक्ष लगा रहे हैं। पुरोहित साहब, वरुण पुरोहित साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। वरुण जी, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। देवानंद साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। कर्नल साहब, जब अग्नि पथ की लॉन्चिंग हुई थी अग्निवीरों के लिए, तब भी हमने बातचीत की थी, इसका विरोध शुरू हो गया है, अपना अपना आर्ग्यू है, डिफेंस के ऑफिसर अपना तर्क दे रहे हैं, युवाओं के अपने तर्क हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना तर्क है, लेकिन अग्निपथ से पहले ही इस परीक्षा का अग्निपथ शुरू हो चुका है और कई जगह इसका विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपके सामने भी कुछ तस्वीरें आई होंगी, आपको मालूम भी होगा, तो कहीं कुछ संशय की स्थिति है या फिर युवाओं को समझाने में नाकाम रही सरकार अपना पक्ष रखने में कि हाँ उन्हें समझाया जाना चाहिए था कि इसका आपको ये बेनिफिट होगा, तो क्या रहा कारण, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं योगेंद्र जी कहना चाहूंगा, मेरे से पहले कोई साथी थे जो बार बार सरकार को भला बुरा कह रहे थे कि सरकार, और मैं उम्मीद करता, मैं पूरा भरोसा है कि इस तरह के व्यक्तित्व के जब शब्द इस्तेमाल होते हैं तो वो भी कभी सरकार में रहे होंगे, पर चलिए जिसकी जैसी मानसिकता उसको वो भाई। अब मैं जहां तक इस अग्निवीरों की बात है, सबसे पहली बात यह कि इसको ये भाग भाग के लोग, ये देश के जितने भी हमारे साथीगण है वो इसको रोजगार से क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए साहब, सेना रोजगार से जोड़ के नहीं देखनी चाहिए, सेना सेवा का काम है, सेना राष्ट्र हित का काम है, पहली बात। ऐसा मेरा मानना, आप नहीं माने तो मन मानो, मेरे को आपको मनाना भी नहीं है, मेरी बात रखने दीजिएगा। और दूसरी बात, क्या सेना को जो जरूरत है वो पूरी करनी है कि नागरिकों की जरूरत पूरी करनी है? मैं यहां मानता हूं कि सेना को जो चाहिए वो हमें सेना को देना चाहिए। अब रही बात ये, थोड़ी देर के लिए राजनीति दूर करके करें, सेना का जितना मैं समझ पाया, भारतीय सेना एक पिरामिडल ऑर्गेनाइजेशन है, एक जनरल साहब है, 2-4 ब्रिगेडियर साहब है, 10-12 कर्नल, एक पिरामिड है, नीचे सबसे ज्यादा सैनिक होते हैं। मैं 1984 से लेकर के बता सकता हूं, जब सेना में गया था तो उस समय आंकड़ा युवा सैनिकों का, जिसको ओआर कहते हैं, जेएसयू को छोड़ करके, वो 73-75% था, ये तथ्य है। और जब मैं रिटायर हुआ, आज के दिन मैं रिटायर तो थोड़ा समय पहले हो गया, आज जो मैं आंकड़ा देख के आ रहा हूं है बिलो 40%, नंबर वन। नंबर टू, कोई भी कमांडर सेना का, उसको युवा सैनिक चाहिए, तरीका ढूंढना सरकार का काम है, तरीका ढूंढना देश का काम है, और उसी के लिए रिफॉर्म्स आते हैं। और कोई भी रिफॉर्म इस तरह नहीं हो सकता कि जब तक वो पब्लिक डोमेन में उसकी पूरी डिटेल आए नहीं और हम अपने ख्याली पुलाव पकाना लग जाएं। मैं ये मानता हूं, अभी मैं एक डिबेट में था, एक बच्चा हमारे साथ बैठा था, उससे पूछा गया कि आप ये करना चाहोगे, मैं फर्स्ट इंडिया की बात कर रहा हूं, उस बच्चे ने बिल्कुल बेबाकी से कहा, साहब देखिए, हम लोग चाहते हैं कि 4 साल क्या मुझे कम मौका मिले तो भी भारत सेना का हिस्सा बनना चाहूंगा। और ये बात भावना की है, कुछ लोग हैं राजनीतिक कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, विरोध जताना उनका हक है। अब कर्नल साहब, फिर आप ये कह दीजिए अग्निवीर, आप ये मत कहिए कि 18 महीने में इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो सरकार कह रही है कि हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, कह दीजिए भारतीय सेना रोजगार की बात है तो बीजेपी ने बोला ना 10 लाख रोजगार दिए हैं, 10 लाख रोजगार दिए बीजेपी ने बोला है कल परसों। तो साहब, कर्नल साहब, दो बातें नहीं, एक तरफ आप देशभक्ति के जज्बा की भी परीक्षा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि एम्प्लॉय भी कर रहे हैं, दो बातें नहीं हो सकती। आपने कहा कि उस बच्चे ने, आप गुमराह कर रहे हैं देश को, नहीं योगेंद्र जी, गुमराह नहीं कर सकते, सेना की रिक्वायरमेंट देश को पूरी करनी है। चले साहब, आप कमांड रहे तो आप मेरे से बोलिए ना, आपने सेना में कमांड किया तो बताओ मुझे।
एक हमारे साथ मेरे पे सवाल मत तोफी, एक युवा साथी जुड़े। कलर साहब देखिए आपकी बारी आएगी, आपको मैं पूरा अवसर दूंगा, आप दूसरे की भी सुनिए। ईरा बहुत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मैं नेटवर्क खराब है, माफी चाहूंगा। सुनिए 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 सुनिए, ईरा बहुत हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, वो आपको बताएंगे। अभी कर्नल साहब ने कहा कि सेना कभी ऑर्गेनाइजेशन नौकरी का नहीं बना, हालांकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं जो बच्चे आज चाहते हैं उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, उनके पेरेंट्स होते हैं, किसी की मैरिज होती है तो उनके बच्चे होते हैं, और इसे हम खारिज नहीं कर सकते कि देशभक्ति के साथ साथ पेट भरने भी लोग जाते हैं। मैं इसे खारिज नहीं करता हूं, सच्चाई यही है। बेशक हम कितना भी बात कहें कि नहीं भारत माता की जय, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जो कहेगा कि पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और रोजगार चाहिए। एक गवर्नमेंट ने हमें एक रूट दिया है कि आपको एक सेवा का अवसर यहाँ भी मिलता है, जिसे हम नौकरी भी आप कर सकते हैं और सेवा भी कर सकते हैं। इरा आपके पास मैं आना चाहूंगा, मैं आपके कई यूथ से बात भी होगी और कई राज्यों में आप लोगों के आपस में यूथ जो ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उनके साथ चर्चा भी है। इस योजना को लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं कि इनके साथ कोई युवा बैठे हुए थे, वो तो 2 साल की भी नौकरी करने को तैयार है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, मैं कर्नल साहब की बात का भी जवाब दूंगा, सबकी बातों का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ये कह रहा हूँ, ये देश युवाओं का है और आज युवा है जो सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, आज ट्रेन आगजनी हो रही, आप सुबह से देख रहे हो जगह जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, अब ये जो मोदी जी ने अभी जो रोजगार की बात करी, मैं मोदी जी से ये कहता हूं कि पहले की जो भर्तियां हैं जो आर्मी के अंदर 3 साल से भी खाली पड़ी है और काफी दिनों से FN वाली जो खाली पड़ी है उनको तो पूरी करिए। उसके अलावा जो आपने ये बोला है कि जो अग्नि वाला अभी नया जो लाया है आपने, उसके अंदर पूरे देश के अंदर आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि जब 17 साल से 21 साल के युवा 4 साल की जॉब करेगा, उसके बाद में क्या होगा, वो कोई गार्ड की नौकरी करेगा? जब उसका टाइम पढ़ने का लिखने का होगा उसके बाद में वो गार्ड की नौकरी करेगा? मोदी जी लगातार निजीकरण के पक्ष में है और क्या सेना को निजीकरण के मामले में और उसमें डालेंगे? तो हम बार बार सरकार से ये कह रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मोदी जी ने कहा 1.5 साल में हम 10 लाख की नौकरी देंगे। आप सबसे पहले थैंक यू लेने से पहले आप लोग पहले 10 लाख की नौकरी तो दीजिए, पहले 2 करोड़ का रोजगार की बात करी आपने, वो क्या दिया क्या आपने? नहीं दिया ना। अभी 10 लाख की आप एक, ये भी एक नया जुमला है, बेरोजगार अब भ्रमित होने वाले नहीं है, ये बेरोजगार अब की बार भ्रमित नहीं होंगे, अब की बार कोई नहीं भड़केगा। मैं कह रहा हूँ 10 लाख की मोदी जी बात करें, 10 लाख आप एक चीज बताइए, 10 लाख नौकरी देने के बाद में आप अपना थैंक यू लीजिए, उससे पहले आप किस चीज की वाहवाही ले रहे हो? आपने जो पहले वादे किए थे वो तो पूरे कभी किए नहीं, अब उससे पहले आप बेरोजगारों को ये कह रहे हो कि 1.5 साल के अंदर मैं 10 लाख जॉब लगाऊंगा। आप पहले 10 लाख जॉब तो लगाइए इराजी, उसके लिए आपको इराजी अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मैं बात अग्निपथ को लेकर, उससे पहले जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ ना, जो जुमला ही था एक तरह से बेरोजगारों के साथ में, तो हमेशा बेरोजगारों को तो उन्होंने एक चुनावी मुद्दा बना दिया के सुनाओ के आएंगे जब बेरोजगारी का मुद्दा आएगा सामने, उसके अलावा तो धर्म के अलावा तो उनके पास मुद्दा है ही नहीं। राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करूं, उनका अपना एजेंडा है, वो किसी पे आरोप लगाएं तारीफ करें मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी बात हुई है कुछ लोगों से, राजस्थान में भी आंदोलन की आगाज शुरू हो चुका है या कहूं कि कुछ अंतर दिखाई दे, क्यों नाराजगी क्यों है? क्योंकि देखिए उधार हो सकता है, ऐसी नाराजगी क्यों है युवाओं में? अनिल जी मैं सब क्लियर कर रहा हूँ, आज मैं योगेंद्र बोल रहा हूँ, मैं योगेंद्र बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा योगेंद्र जी मैं आपको एक क्लियर कर रहा हूँ कि आज हमारा 7 बजे जंतर मंतर के सामने भी प्रदर्शन है, मेरठ में आज हमारे युवा ने किया, युवा अल्लाह बोल के बैनर के नीचे जितने भी बेरोजगारों का सबसे बड़ा संगठन है और राजस्थान को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जगह जगह जाकर के उन्होंने सब प्रदर्शन हो रहा है, आप देख ही रहे हो सुबह से कि कहीं ट्रेन में आग लगा रहे हैं, कभी क्या कर रहा है। ये युवाओं में आक्रोश है, क्यों है आक्रोश? क्योंकि ये जो युवा है वो ये चाहते नहीं है कि 4 साल नौकरी करने के बाद में उनका पेंशन भी बंद हो, उसके बाद में वो कोई गार्ड की नौकरी करे या कोई बड़े धनाढ्य लोगों के नीचे कार चलाने का काम करे। ये जो युवा है जिस लग रहा है ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है कि 17 साल हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश कई गवर्नमेंट ने कही है कि जो 4 साल बाद में रिटायर होंगे हम उन्हें अवसर देंगे,
तो अभी इंतजार करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो एमए बीएड वाला और जो मैकेनिकल बीटेक किया हुआ भी आज 10,000 की नौकरी कर रहा है, इस देश के अंदर नौकरी है कहां? इस देश के अंदर नौकरी बेरोजगार बहुत बुरी हालत, बेरोजगार क्या कहां जाए? अगर कोई तैयारी करता है, मेहनत करता है तो पेपर लीक हो जाता है, कहीं ना कहीं कोई इनको अड़ंगा हो जाता है। लेकिन सेना के अंदर आपने 4 साल का टाइम दिया, पेंशन भी नहीं है, वो 4 साल ऐसे पिक पॉइंट होता है जिसमें बेरोजगार अपनी जो अभ्यर्थी होता है वो अपनी मेहनत करता है, भागदौड़ करता है, उसका जीवन सेलेक्ट करता है मुझे किस फील्ड में जाना है, ठीक है, उसके बाद में आप सेना के अंदर पहले जो था 15 साल वाला था। वापस लौटूंगा हीरा जी आपके पास में लौटूंगा। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में अभी। जी देव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, मैं एक दो बात रखना चाहता हूँ। ये सही कह रहे हैं, युवा सड़कों पे है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम देश में है। मैं आज सुबह गलवान दिवस के उपलक्ष्य में शहीद स्मारक पे मौजूद था और वहां धरना दे रहे थे लोग, और धरने की हद देखिए। अब ब्लेम किसी को नहीं करना है, ये रोजगार का मामला नहीं है, सेना में रिफॉर्म्स का मामला है और सेना के अंदर रिफॉर्म्स आ रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता सकता हूँ इस सरकार ने बिल्कुल किया है। सीडीएस को लेके आए, ये सरकार सेना के अंदर पहली बार जो किसी सरकार ने पहले नहीं किया वो महिलाओं को भागीदारी दी है। इस सरकार से पहले किसी ने नहीं किया, इस सेना के अंदर मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। इन्होंने क्या आपका वादा नहीं किया? वादा 370 का पूरा किया है। आप अगर क्रेडिट लेते हैं तो फिर उसमें स्पष्ट बोलिए सर, ये अदालत के फैसले पे हुआ है, वादा किया था सेना डिफेंस में। मैं बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ, इसके अंदर भूतपूर्व सैनिक एक समिति है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। हमने 4 साल से इस बात को लेके गए, पहले हमारी किसी ने गुहार नहीं ली, फाइनली कोर्ट का ऑर्डर तो बहुत पहले था, पर हमारी मीटिंग हुई प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह जी से, हमने उनको अवगत कराया, उन्होंने कर दिया, क्या बुरी बात है सर? कोई बुरी बात नहीं है, अच्छे कार्य है। आज भी है नवीकरण का, जो रिफॉर्म्स का आप भाई साहब चुप रहे, जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है ऐसा नहीं है, ये टेक्निकली अच्छा काम है, इसमें कमियां हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं एक बात, मैं सर एक बार डॉक्टर वरुण पुरोहित कुछ कह रहे हैं, डॉक्टर वरुण पुरोहित के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी कीजिए, वरुण पुरोहित जी, वरुण पुरोहित जी, महिलाओं को तो सुप्रीम कोर्ट के कितनी बार फटकार के बाद इन्होंने लिया वो अलग बात है, अभी पीठ थपथपाए अपनी। सरकार को पूरा युवाओं को मैं आज अपील करना चाहता हूँ, जो जो इन स्कीमों को, इन झूठी पाखंडी छलावे स्कीमों को जो जो फेवर कर रहे हैं, जो पक्ष ले रहे हैं पूरे देश में, इनको याद रखिए आपके साथ क्या कर रहे हैं, आपके जीवन के साथ ये क्या युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए ये। आप मुझे बताइए, आज फिर ठिपी ठोक रहे 10 लाख गवर्नमेंट करिए रोजगार, ये कह रहे रोजगार नहीं होता आर्मी का। अरे भाई आर्मी 4 साल बाद सड़क पे, कितना रोजगार का मामला नहीं है, सेना एक सेवा का मामला है। आप क्या सेना रोजगार कर रहे हैं? बाकी दिवाले खत्म हो गए जो सेना को रोजगार का दर्जा बना रहे हो, सेना सेवा है और सेना को जो चाहिए देश को देना पड़ेगा, और आप देश नहीं दे सकता तो सेना हटा दो, देश का जिम्मेवारी बनता है, युवा को भड़काने का काम नहीं करो। रोजगार नहीं है, रोजगार आपके लिए हो सकता है, सेना रोजगार आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, मैं कभी पहले था न आने वाले समय में होगा। ब्रिटिश सरकार आपके पास में, मैं वरुण प्रोहित जी अपनी बात पूरी करी। वरुण जी, वरुण जी, 3-3 साल 21 साल का युवाओं को सड़क पे पटकोगे, उसके भविष्य के साथ दोगे क्यों नहीं? 55 साल तक की नौकरी दोगे? ये सब नौकरियां कर करके आए हैं मिलिट्री, आज के 3 साल नौकरी, 4 साल नौकरी, किस बात की नौकरी हुई है? और उसके अंदर जज्बा क्या करोगे? जब तक अपना समावेशी नहीं बैठेगा फौज में, उसके जब तक आप बाहर कर दोगे उसको, ये कौन सा तरीका है? कुछ नहीं है, ये विदेशियों का फेवर कर रहे हैं। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? विदेशों में ऐसे होता है, अरे तो विश्वगुरु हो या विश्व गुलाम हो, भारत की सेना के पूरी दुनिया हाथ जोड़ती है, और आज भारतीय सेना को प्राइवेट करना चाह रहे हो, पहले ही सारे उपकरण बनाने का ठेका दे दिया, सारा प्राइवेट कर दिया, अब ये नौकरियां भी प्राइवेट कर रहे हो, उसके बाद 4 साल बाद पूंजीपतियों का गार्ड की तैयारी करा रहे मिलिट्री के खर्चे पर, आप देख लेना ये बात। और मैं कह रहा हूँ युवाओं को याद रखो,
ये कितना पाखंड खिलाओ आपके साथ कर रहे हैं, इसको याद रखना आप लोग। मैं रहूं नहीं रहूं ये जो धोखा दे रहे हैं युवाओं को, आपको याद रखने की जरूरत है इस चीज को। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, मैं ब्रिगेडियर साहब के पास जाना चाहूंगा। सर रिफॉर्म्स का वक्त है, दौर भी यही है, दुनिया के सामने चुनौतियों का सामना करने के लिए आपके पास में रिफॉर्म्स है। चुनौती कैसे भी हो सकती है, वो आपके पास में कुछ आर्टिफिशियल जो चीजें आती हैं वो भी हो सकती हैं, आपके पास में इकोनॉमी की भी हो सकती हैं, आपके पास में साइबर चैलेंजेज भी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रिफॉर्म्स का वक्त है जैसे अभी कर्नल साहब ने भी कहा। तो ये रिफॉर्म्स में अगर गवर्नमेंट ने लॉन्च भी की है तो हमें क्या वेट करना चाहिए कि हाँ हो सकता है कि इसमें कुछ चेंजेज हो, या फिर ये माना जाए कि बड़ी प्लानिंग के साथ में लेकर के आए हैं और अब कोई गुंजाइश नहीं लगती? युवाओं का जो धैर्य है उसकी मुझे चिंता है। देखिए बात है, युवाओं की चिंता जरूरी है यस, लेकिन देश की रक्षा की चिंता भी जरूरी है। आप ये देखिए, रिफॉर्म कर रहे हैं तो आप एक नीचे से जो रिफॉर्म कर रहे हैं, एक सिपाही जिसका रोल आगे फ्रंट में फायर करना, फायर को फेस करना है, उसमें आप रॉ मटेरियल कच्चा आदमी जाके भेज रहे हो। अब मैं समझ में नहीं आता ये कौन सा रिफॉर्म हुआ। रिफॉर्म का मतलब है कि आपकी ट्रेनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजिकली बेस स्ट्रांग होना चाहिए। आप 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स ले रहे हो, उनके पास क्या स्किल है ये बताइए। पहली बात तो क्या वो आजकल के कॉम्प्लिकेटेड वेपन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कमांड एंड कंट्रोल के सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन के, इंटेलिजेंस के, क्या वो कुछ समझ सकते हैं? आप आज वाइस चीफ का स्टेटमेंट आया है कि 2032 तक 50% जो जवान है वो अग्निपथ से हो जाएंगे। आप ये देख लीजिए हमारे दोनों तरफ दुश्मन बैठे हुए हैं। आज क्या एक उसके चार साल का मतलब क्या है? एक सिपाही बना, एक सैनिक बना सकते हो क्या चार साल में? कम से कम मिनिमम जो ट्रेनिंग का जरूरत है, ट्रेनिंग 6 महीने वाली नहीं है, ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग है। 7 साल कम से कम फौज में रहे तब जाके एक जवान, पक्का जवान कह सकते हो, एक जवान है जो गोली फेस कर सकता है। दूसरा, फौज में एक रेजिमेंटल सिस्टम है जहां क्रक्स है, जहां जहां जाके आपको डिसीजन लेना है, जहां अपने विक्ट्री या डिफीट हासिल करनी है, उस जगह पे वो आदमी काम करते हैं। वो जो 4 साल में के लिए आता है वो 3.5 ही साल है, बल्कि तो 6 महीने तो उसको ट्रेनिंग में ही गुजर जाएंगे। तो 3.5 साल का जो जवान है वो क्या ट्रेनिंग ले लिया उसने? विल ही फेस दैट बुलेट? वो तो क्या करेगा, जैसे शेक्सपियर ने कहा है, डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर। वो 4 साल के लिए अपनी जिंदगी क्यों देगा? वो रेजिमेंट के लिए जिंदगी देता है एक जवान, एक अपनी आर्मी के यूनिफॉर्म के लिए देता है। वो तो पता है कि उसको ये मेरी यूनिफॉर्म नहीं है, ये मेरी टेम्परेरी रिजोर्ट है, इसमें मैं क्यों इसमें खाम है, क्योंकि मेरे लिए स्टेक क्या है? मेरा कैरियर ये नहीं है, मेरा कैरियर समवेयर एल्स। उसको आप आर्मी के, अभी आप स्टेटमेंट आपने सुना होगा कि इनको पढ़ाई, कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, ग्रेजुएशन कराएंगे, उनको स्किल कराएंगे। आप ये सब कराओगे तो फिर सोल्जरिंग कौन करेगा? आप जाके देख तो दीजिए, जवान एक रेजिमेंट में, एक यूनिट में 500 से लेके 1000 सोल्जर होते हैं ना, उनके पास कम से कम 40% तो कोई टेम्परेरी ड्यूटी, कोई कोर्स के ऊपर, कोई छुट्टी पे, कोई कहीं भी ऐसे चले जाते हैं। जो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंसर्जेंसी एरिया में काम करते हैं उनके पास सोल्जर्स की कमी होती है। नाउ एज सोल्जर्स, यदि इनको आप ट्रेनिंग का, पढ़ाई का और स्किल का काम दोगे, आप यहाँ पे कोई रोजगार देने के लिए तैयार करना या कोई एजुकेशन संस्थान नहीं है। ये संस्था तो लड़ाई करने की संस्था है, देश की रक्षा की संस्था है, जीने और मरने की संस्था है, इसमें आप इस तरह का नहीं कीजिए। दूसरा मैं बताऊं आपको, एक स्टेटिस्टिक्स लीजिए, 2-3 साल तक रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, 1.5 लाख सोल्जर्स, सैनिकों की कमी होगी, आर्मी की मैं बात करता हूं, और 1.5 लाख का जो आज यदि आप इनकी रिक्रूटमेंट शुरू भी करोगे तो 45,000 को हम करीब 45 से 50,000 के लिए हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, कैपेसिटी हमारी इतनी है, और इतने ही तकरीबन रिटायर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 45 से 50,000 तक रिटायर होंगे यही आदमी ट्रेनिंग करेंगे, तो फिर ये जो 1.5 लाख की ये तो डेफिशिएंसी चलती ही जाएगी। या फिर ये समझिए कि आप एडिशनल इंस्टीट्यूशंस खोलोगे, टेम्परेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस लगाओगे, तो इसके लिए आप डिस्टर्ब कर रहे हो बने बनाए संस्थान को। और दूसरा एक बात ये भी है कि आर्मी में हम तो, मैं खुद कमांडिंग ऑफिसर रहा हूँ,
हम इनकरेज नहीं करते कि वहां किसी को कोई एजुकेशन के लिए भेजें। पर आप पढ़ाई यदि मान लो उसने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे दी, सेकंड ईयर की दे दी, थर्ड ईयर की दे दी, तो उसको एग्जामिनेशन देने के लिए छुट्टी भेजना पड़ेगा, उसको पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ेगा। ये एक कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन थोड़ी है हमारा। हमारा तो ये सोल्जरिंग का है, ये टफ जॉब है, इसके अंदर आपके पास टाइम नहीं है। यू आर ऑन 24 आवर्स ड्यूटी, 24 घंटे आपको वहीं तैनात होना पड़ेगा। यदि थोड़ा सा भी आपने बुक ले ली तो वो तो इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा उधर से, और या दुश्मन की गोली आ जाएगी आपके ऊपर। आपको सतत जो ड्यूटी है उस पर रहना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो स्टैंडर्ड है हमारे लड़ाई की, जो काबिलियत है हमारी, इसको डाइल्यूट करने की ये कोशिश हो रही है। इनको या तो परवाह नहीं है देश की, ये देशभक्ति का जज्बा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें कौन सी देशभक्ति हुई कि आपके इनके स्टैंडर्ड को कमजोर कीजिए, आप ऊंचा कीजिए, रिफॉर्म कीजिए। हम कहते हैं रिफॉर्म कीजिए, इसमें स्किल्ड आदमी लेके आइए, स्पेशलाइज ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग के लिए आपको टाइम लगेगा। आप इनको यदि स्पेशलाइज ट्रेनिंग दोगे तो उतना ही टाइम आपको, तो पास 6 महीने दिए हैं ट्रेनिंग के, तो एडिशनल टाइम और लग जाएगा आपका। तो फिर आप 4 साल में क्या करा लोगे इनसे? ये एक वेलफेयर स्कीम नहीं है। जो आर्मी है वो एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है। इसको टास्क ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस को वेलफेयर मत बनाइए, जॉब देने की एक जरिया मत बनाइए। और जैसे प्रवेश वक्ताओं ने कहा कि यदि ये रिटायर होकर आएंगे तो इस देश में जॉब है कहाँ, ये बताइए मेरे को। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, तो प्राइवेट वाले एक सोल्जर को जिसकी 10वीं 12वीं क्वालिफिकेशन है, ये मैं कह दूं ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। यदि आर्मी में चले गए तो कोई भी ग्रेजुएशन करना है कोई सीओ अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। उसने ड्यूटी देनी है, ड्यूटी करने के लिए उसके पास जवान से है। इवन जयपुर में यदि कोई आदमी बैठा हुआ है, आप जवानों की हालत देखिए, उनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं है। कहीं आप फायरिंग में जा रहे हो, कहीं आप ब्रिगेडियर साहब, समय थोड़ा कम है, मैं रोकना चाहूंगा। इरा कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही कहे उन्होंने कि जो युवा पढ़ने की उम्र है उस टाइम वो सेना में उनको भर्ती करवा रहा है। ये सिर्फ क्या है, बीजेपी सरकार का एक हथकंडा है कि जो आंकड़ा दर्शाना चाहते हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी है। उससे पहले जो आंकड़े आज दिन तक दिए हैं उन्होंने जुमला ही दिया एक तरह से। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, अभी जो 10 लाख की बात की है वो भी एक तरह से जुमला ही है। और रही बात है, पूरे देश में आज विरोध हो रहा है। आज एक जो किसान आंदोलन की तरह एक दिन बेरोजगार आंदोलन, पूरे युवा सड़कों पे दिल्ली की संसद का घेराव करेंगे, ये इतना बड़ा मूवमेंट है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। देव साहब बताऊं कि ये आज जो पूरा युवा है, पूरा देश के अंदर जो आक्रोश है वो इसके खिलाफ है, क्योंकि मोदी जी ने जो ये फैसला लिया इसको वापस करना ही होगा। अगर वापस नहीं करेंगे तो कमल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 20 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, क्योंकि समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। पहली बात तो ये कह रहे हैं 55 साल तक नौकरी क्यों नहीं करती सरकार। देखिए सेना की रिक्वायरमेंट 55 साल पे नहीं है साहब, हमारी रिक्वायरमेंट यंगर सिपाही की है, और वो सिपाही हमें यंगर चाहिए। वो कैसे देश देता है वो मंथन की बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जुमला, देखिए जुमले नहीं है, जो बीजेपी और मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये भी कहा है दिक्कत हो सकती है, सुनिए। अरे सुनिए तो दिल रखो भाई साहब, अरे सुनिए तो दिल रखो, और जो भी कहा है होगा। रही बात, आप कहते हैं किसान आंदोलन और बेरोजगार आंदोलन, आप कोशिश कर लो, देश का युवा जानता है कि उसको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है देश में सैनिक बनने का। कर्नल साहब विरोध कौन कर रहा है? कर्नल साहब विरोध कौन कर रहा है? सड़कों पे कौन उतरा हुआ है? सड़कों पे कौन उतरा हुआ है? मैं बोलूं ये चुप्पी नहीं हो रही, मैं समझ नहीं पा रहा। इरा साहब एक बार कर्नल साहब कुछ को कहने दीजिए। कर्नल साहब आप कह रहे हैं कि मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, आंदोलन कौन कर रहा है? आंदोलन कौन कर रहा है? ये जिस प्रकार की भाषा, मैंने कहा सेना को रिक्वायरमेंट यंगर सर्विस जवान की है, सीनियर बहुत हैं, यहाँ ऑनरी कैप्टन बहुत हैं, सुबेदार मेजर बहुत हैं, सारे हैं, जनरल साहब सब बनना चाहते हैं, कोई कैप्टन के लेवल पे और सिपाही के लेवल। चलते 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 डॉक्टर वरुण पुरोहित को कहना चाह रहे हैं। वरुण जी कर्नल साहब अभी कहते हैं युवा चाहिए तो 21 साल में क्या बूढ़ा हो जाएगा क्या? वो जो आपको युवा चाहिए 55 तक क्यों नहीं रखोगे आप? 21 साल में बूढ़ा करके निकाल दोगे उसको 3 साल 4 साल में? अरे भाई पचपन में माफी चाहूंगा, समय का अभाव में तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। आर्मी में जवान चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, वो अगले आर्मी नहीं चाहिए, वो कैसे रखना है जिसके लिए योजना लेकर के आए हैं वही नाराज है,
वो आंदोलन की राह पर है, उसका साफ कहना है कि सरकार इस योजना को विड्रॉ करे। देखना होगा कि होता क्या है, हमें इंतजार करना होगा, लेकिन हम गुजारिश करेंगे कि शांति के तरीके से अपनी बात कहे। हिंसा का देश में कोई स्थान नहीं है, अगर कोई पहुंचा है ये थोड़ा ख्याल करने की बात है। चले, तमाम अतिथियों का और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।